Hello students, today we will see lesson number 5, How Do You Feel? Of Standard 4, Subject English. इस चैप्टर में हम क्लीनलीनेस के बारे में देखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है. क्लीनलीनेस क्या है? क्लीनलीनेस इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ हेल्दी लिविंग बिकॉज इट इज़ द क्लीनलीनेस ओनली विच हेल्प्स टू इम्प्रूव अवर पर्सनैलिटी बाय कीपिंग क्लीन. हमको क्लीनलीनेस बहुत ज़रूरी है हेल्दी लाइफ के लिए, है ना स्टूडेंट्स. हम नेल्स काटते हैं, ब्रश करते हैं, हैंड्स को क्लीन करते हैं, हेयर को वॉश करते हैं, फीट को वॉश करते हैं, ये सब क्लीनलीनेस है. अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम क्या अनहेल्दी एनवायरनमेंट में रहेंगे. ओके, सो हमको हेल्दी एनवायरनमेंट में रहने के लिए हमको अपने आप को क्लीन करना है, ठीक है. रेगुलरली नेल्स काटने हैं, हैंड्स घड़ी घड़ी वॉश करने हैं, ठीक है. ये सब बातें ध्यान रखनी है, ठीक है. सो इन एक्टिविटी 1, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, 6 बेसिक टिप्स टू कीप योरसेल्फ क्लीन. फर्स्ट में क्या है, नेल्स आपको रेगुलरली काटने चाहिए. सेकंड पिक्चर में वॉश योर हैंड्स, हमेशा हैंड्स को वॉश करना चाहिए. थर्ड में ब्रश योर टीथ. फोर्थ में टेक बाथ, रेगुलर नहाना चाहिए. फिफ्थ में वॉश योर फेस, बाहर से कहीं आओ, मिट्टी में से खेल के आओ, आपको हमेशा अपना फेस क्लीन करना चाहिए, इससे डर्ट निकल जाती है. वॉश योर फीट यानी पैर भी आपको क्लीन करना चाहिए, सिर्फ ऐसे नहीं बस ना लिया तो मुंह और हाथ धो लिया, ऐसे नहीं. रेगुलरली नेल्स ट्रिम करने चाहिए, फीट को भी क्लीन करना चाहिए, है ना. नाउ इन दिस ईयर डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स द फॉलोइंग पॉइंट्स, शेयर द इन्फॉर्मेशन विथ योर टीचर. डू यू फॉलो द हेल्थ टिप्स गिवन इन द पिक्चर्स? क्या आप ये हेल्थ टिप्स फॉलो करते हो? आप भी रेगुलर नहाते हो, ब्रश करते हो रेगुलरली 2 बार, है ना. हाउ मैनी टाइम्स डू यू वॉश योर हैंड्स? आप कितनी बार हैंड्स क्लीन करते हो? खाने से पहले, खाने के बाद, कहीं बाहर से आते हो, कुछ हाथ को टच करते हो, तो आप किसी भी चीज़ कितनी बार आप वॉश करते हो हैंड्स? हाउ मैनी टाइम्स डू यू ब्रश योर टीथ? रात को सोने से पहले भी ब्रश करते हैं, राइट. सुबह उठ के भी ब्रश करते हैं, हमेशा 2 टाइम तो करना ही चाहिए कंपलसरी. हाउ मैनी टाइम्स डू यू टेक बाथ? 2 बार, गर्मी में तो 2 बार नहाना चाहिए. एक आप बाहर से आते हो तो पूरा स्वेट पसीना हो जाता है, तो नहाना चाहिए. एक सुबह जल्दी नहाना चाहिए, येस. हाउ मैनी टाइम्स डू यू वॉश योर फेस? आप कितनी बार फेस को वॉश करते हो? नींद में से उठो तो वॉश करते हो, बाहर से आओ तो वॉश करते हो, कितनी बार करते हो? हाउ मैनी टाइम्स डू यू वॉश योर फीट? पैर आप कितनी बार धोते हो, राइट स्टूडेंट्स. नाउ इन एक्टिविटी 2, डज इट स्टिंक? नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टिंक? स्टिंक यानी बदबू, ठीक है. ये स्टोरी में हम इसके बारे में देखते हैं. स्टिंक मीन्स बदबू, मुंह से बदबू आती है या ऐसे बोलते हैं ना, तो उसको स्टिंक बोलते हैं इंग्लिश में, राइट. नाउ वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ फेरोशियस लायन इन द जंगल. फेरोशियस यानी वाइल्ड, खतरनाक. स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेरोशियस? स्टूडेंट्स नाउ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेरोशियस? फेरोशियस यानी खतरनाक. वाइल्ड लायन इन द जंगल में रहता था, राइट. वन डे ही सॉ शीप ईटिंग ग्रास नियर बाय एंड टोल्ड हर दैट ही विश टू ईट हर फॉर डिनर. एक दिन उसने शीप देखी, वो ग्रास खा रही थी, तो उसने बोला मैं तुझे डिनर में खाना चाहता हूँ. द शीप गॉट स्कैर्ड. स्कैर्ड यानी बहुत डर गई, लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट थी. एंड टोल्ड द लायन किंग योर माउथ स्टिंक्स, आई फाइंड द स्मेल सो फाउल. उसने बोला, वो डरी नहीं, उसने ऐसा बोला कि मैं तेरे को डिनर में खाऊंगा, पर वो डरी नहीं. उसने बोला कि तेरा है तेरे मुंह में से तो स्टिंक्स यानी बदबू आ रही है, मुझे बहुत स्मेल आ रही है. फाउल यानी बहुत स्मेल आ रही है ऐसे. कैन यू फर्स्ट गो एंड क्लीन योर माउथ सो दैट आई कैन डाई विथ अ नाइस स्मेल अराउंड मी. उसने बोला तू मुझे खाना, पर अपना माउथ तो क्लीन करके आ, तो मैं स्मेल तो अच्छी है, मैं मरूँ जब तो तू खाएगा मुझे. तो द लायन वॉज ऑफेंडेड बट वेंट अवे. ऑफेंडेड यानी अपमानित हुआ, अपमानित. उसको लगा भी मेरा तो ये अपमान हो रहा है, पर तो भी वो चला गया. ही केप्ट थिंकिंग बट वॉज नॉट श्योर वेदर इज माउथ रियली स्टिंग और नॉट. वो चला तो गया पर उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा माउथ स्टिंक कर रहा है, मेरे माउथ में से स्मेल आ रही है कि नहीं. यू आर द किंग ऑफ जंगल. द लायन वॉज श्योर दैट द वुल्फ वॉज ट्राइंग टू फ्लैटर हिम सो ही सेड यू आर नॉट टेलिंग मी द ट्रूथ, यू आर जस्ट ट्राइंग टू फ्लैटर
मी, उसने क्या बोला कि आप मुझे सच नहीं बता रहे हो, सिर्फ मुझे क्या फ्लैटर कर रहे हो, ठीक है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्लैटर स्टूडेंट्स, मना झूठ बोल रहे हो ऐसे। द वुल्फ रैन अवे फियरिंग हिज लाइफ, वुल्फ को भी डर लग गया, उसको लगा नहीं मेरी लाइफ को खतरा है तो वो भाग गया। देन केम द फॉक्स, ही रियलाइज व्हाट हैड हैपन, एंड व्हेन द लायन आस्क्ड हिम टेल मी फॉक्स डज माय माउथ स्टिंक, तो उसने भी बोला द नहीं द लायन वॉज ऑफेंडेड बट वेंट अवे, है ना। इसमें पहले से क्या था स्टूडेंट, उसने ना माउथ स्टिंग कर रहा था, वो ऐसे चला गया, पर लेकिन उसको विश्वास नहीं आ रहा था, तो उसको रास्ते में कौन मिला, उसको रास्ते में वुल्फ मिला, है ना। वुल्फ को उसने पूछा कि मेरा रियली माउथ स्टिंग कर रहा है, तो डर गया था। तो वुल्फ ने बोला योर हाइनेस हाउ कैन योर माउथ स्टिंग, यू आर द किंग ऑफ द जंगल, आपके माउथ में से बदबू कैसे आ सकती है, आप तो जंगल के किंग हो। द लायन वॉज श्योर दैट वुल्फ वॉज ट्राइंग टू फ्लैटर हिम, उसको लगा वो तो मेरे से डर रहा है ना इसलिए ऐसे बोल रहा है। यू आर नॉट टेलिंग मी द ट्रूथ, यू आर जस्ट ट्राइंग टू फ्लैटर मी, द वुल्फ रैन अवे ही फियरिंग हिज लाइफ, वो तो भाग गया, उसको लगा कि लायन उसको खा जाएगा। फिर उसको रास्ते में फिर से फॉक्स मिला, राइट, ही रियलाइज व्हाट हैड हैपन एंड व्हेन द लायन आस्क्ड हिम, फिर फॉक्स से पूछा क्या मेरे मुंह में से बदबू आ रही है। द स्लाई फॉक्स प्रिटेंडेड टू हैव अ कोल्ड एंड सेड योर हाइनेस, स्लाई यानी क्यूनिंग इन नेचर, उसका नेचर बहुत क्यूनिंग था फॉक्स का, है ना। तो उसने बोला योर हाइनेस आई हैव अ बैड कोल्ड एंड देयरफॉर आई कैन नॉट स्मेल, सेइंग दिस द फॉक्स वेंट अवे, उसने बोला मुझे तो सर्दी हुई है, मुझे तो कोई स्मेल आ ही नहीं रही है, तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि आपके मुंह में से बदबू आ रही है कि नहीं। सो किसकी डर से, लायन की डर से, नहीं वुल्फ ने आंसर दिया, नहीं फॉक्स ने आंसर दिया, है ना। पर उल्लू किसने बनाया उसको, शीप ने, जो उसको खाना चाहता, लायन उसको खाना चाहता था शीप को, पर उसने उल्लू बनाया कि आपके मुंह में से तो बदबू आ रही है, तो वो चला गया। दोनों से पूछा पर किसी ने भी जवाब ढंग से नहीं दिया, क्योंकि इसकी डर की वजह से, लायन की डर की वजह से, राइट स्टूडेंट्स। नाउ एक्टिविटी 3, व्हाट डिड द लायन से टू शीप, लायन ने शीप को क्या बोला, है ना, कि मैं तुझे डिनर में खाना चाहता हूँ। शीप ने आंसर क्या दिया कि खाना तो चाहता है लेकिन आपके मुंह में से तो स्मेल आ रही है। हाउ डिड द लायन फील व्हेन ही लिसन टू द रिस्पॉन्स ऑफ द शीप, ये सब है। शीप कौन सा एनिमल है, इंटेलिजेंट था, वुल्फ वॉज एन फ्लैटरी एनिमल एंड फॉक्स इज एन स्लाई एनिमल, राइट। नाउ द लायन वॉज अ वेरी पुअर एनिमल, द शीप वॉज ईटिंग मीट नियर बाय, द लायन्स माउथ वॉज क्लीन, द वुल्फ वॉज फ्लैटरिंग, द फॉक्स वॉज वेरी ऑनेस्ट, नहीं फॉक्स तो क्यूनिंग था, द लायन वॉज पुअर एनिमल, नो ये तो किंग ऑफ जंगल है ना। द शीप वॉज ईटिंग मीट, मीट नहीं खा रही थी वो तो ग्रास खा रही थी, सो फॉल्स आएगा। माउथ लायन का माउथ क्लीन था तो क्लीन, लेकिन उसने बोला कि स्मेल आ रही थी। द वुल्फ वॉज फ्लैटरिंग, यस। Then give the suggestion and tips on how to keep his mouth clean. Make a list of your, आपके mouth को clean करने के लिए आप क्या करोगे? Yes, regularly brush करोगे 2 to 3 times. Yes. Then है ना कुछ भी खाना खाओ तो मुँह को साफ करना चाहिए, है ना। हमारी health के लिए हमको मुँह घड़ी घड़ी धोना चाहिए। Yes. हम कुछ खाते हैं, स्वीट खाते हैं, तो भी हमारा मुंह वॉश करना चाहिए, जैसे उसमें कीटाणु नहीं आ जाए। सो स्टूडेंट्स, एवरीबडी, एवरी ईचन स्टूडेंट्स, एवरी स्टूडेंट हैव टू मेंटेन देयर हेल्दी लाइफ, है ना। आपकी बॉडी को क्लीन एंड हेल्दी रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। घड़ी घड़ी हैंड वॉश करो, मुँह वॉश करो, राइट। नाउ इन एक्टिविटी 5, सी द स्टोरी, फॉलो द स्टोरी एज योर टीचर रीड्स इट, रीड इट साइलेंटली, read some parts aloud as your teacher asks you to do. Hello friends, my name is Yash. इधर ये जो लड़का है ना वो यश है, ठीक है, वो आपको ये बता रहा है। I am studying in 5th standard. जैसे आप 4th में पढ़ते हो, ये लड़का 5th standard में पढ़ता है, वो अपनी स्टोरी बता रहा है। I am a healthy boy and always follow hygiene tips that my parents and teachers have suggested me. I want to share my routine with all of you. I hope you will like it. ये यश है, वो क्या बोल रहा है कि मैं स्टैंडर्ड 5th में पढ़ता हूँ और मैं एक हेल्दी बॉय हूँ
और मैं ऑल हाइजीन टिप्स जो हमारे बॉडी को हेल्दी रखती है वो मैं सब टिप्स को फॉलो करता हूँ, जो मेरे पेरेंट्स बोलते हैं, जो मेरे टीचर्स बोलते हैं, सबको मैं फॉलो करता हूँ, राइट। आई वॉन्ट टू, वो अपना रूटीन शेयर करना चाहता है। सो कैसे बोल रहा है, आई ऑलवेज वेक अप अर्ली एट 6 AM। सुबह वो जल्दी उठता है, देन वो वॉक पे जाता है गार्डन में एंड एक्सरसाइज करता है। देन आई ब्रश माई टीथ एवरी डे इन द मॉर्निंग, आई टेक बाथ एवरी डे, रोज़ ब्रश करता है, नहाता है। आई वॉश माई हैंड्स एंड माउथ बिफोर ईटिंग, खाने से पहले अपना मुंह भी धोता है, हाथ भी वॉश करता है। आई ऑलवेज वॉश माई हैंड्स विद सोप आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, टॉयलेट जाने के बाद हमेशा वो अपने हाथ टॉयलेट से क्लीन करता है। आई ट्रिम माई फिंगर नेल्स रेगुलरली, नेल्स रेगुलरली कट करता है। माई मदर वॉशिज माई क्लोथ्स रेगुलरली। आई ऑलवेज हैव बैलेंस्ड डाइट विद लॉट्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वाटर। आई ईट लेस जंक फूड। आई वॉच टी वी फ्रॉम अ सर्टन डिस्टेंस। आई ऑलवेज रीड इन एडिक्वेट लाइट। आई ऑलवेज कीप द एरिया अराउंड माई होम क्लीन। आई गो टू बेड अर्ली इन द इवनिंग। सो स्टूडेंट्स, ये यश की पूरी उसकी डेली जो करता है ना रूटीन लाइफ बताई है उसने, वो कैसे सुबह जल्दी उठता है, ब्रश करता है, एक्सरसाइज करता है जो बहुत अच्छी बात है, वॉक करता है हैंड्स, और कैसे टॉयलेट में जाता है तो फिर हैंड सोप से क्लीन करता है, फिंगर नेल्स रेगुलरली काटता है, उसकी मम्मी क्लोथ्स प्रेस वॉश करती है तो रेगुलरली, बैलेंस डाइट खाता है उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स फ्रूट्स ज़्यादा खाता है, जंक फूड यानी पिज़्ज़ा बर्गर सैंडविचेस वो बहुत कम खाता है, टीवी दूर से देखता है, फिर रीडिंग किस में कम लाइट में नहीं करनी चाहिए, जहाँ पे एडिक्वेट यानी ज़्यादा लाइट हो वहाँ पे ही करनी चाहिए। आई ऑलवेज कीप द एरिया अराउंड माई होम क्लीन, आजू बाजू घर के आजू बाजू कचरा नहीं करना चाहिए, हमेशा कचरा डस्टबिन में फेंकना चाहिए, और रात को जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, जैसे यश ऐसे करता है वैसे आपको भी डेली रूटीन बनाना है। यस, कैसे आप उठते हो, अपना काम खुद करो, क्यों अपने पेरेंट्स अपने मम्मी पापा आपको बोले कि प्लीज़ ब्रश करो, दूध लो, नहाओ, नहाने जाओ, थोड़ा क्लीन हैंड क्लीन करो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे बड़े होते हो आपको खुद समझना चाहिए कि नहीं मुझे क्यों सब बोले, अपना काम खुद करना चाहिए, बिना कोई बोले सब कुछ करना चाहिए, राइट। ग्रीन वेजिटेबल्स फ्रूट्स आप ज़्यादा खाओ, बाहर की चीज़ें हैं जैसे जंक फूड है, पिज़्ज़ा बर्गर अच्छे लगते हैं, सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन बहुत रेयर यूज़ करना, कम खाना चाहिए, ठीक है, वेरी आपको बहुत कम खाना चाहिए। घर की वेजिटेबल्स खाओ ग्रीन, इससे आँखों की रोशनी बढ़ती है, और हमेशा टीवी दूर से देखा करो, पास से नहीं देखते हैं, राइट। ये सब चीज़ें, मोबाइल कम करो और दौड़ने की ज़्यादा रखो, साइकिलिंग करो, बैठे नहीं रहो गेम और ये सब लैपटॉप लेके, है ना, मोबाइल लेके, उससे क्या हमारी बॉडी बैठ जाती है, ओबेसिटी बढ़ती है, हमारी फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं होती। सो स्टूडेंट्स, आपको मेंटेन करने के लिए, आप तो बच्चे हो तो जितना चलोगे दौड़ोगे आप फिट रहोगे, हेल्दी खाओगे तो फिट रहोगे, है ना स्टूडेंट्स। ओके, देन आपको कैसा लगा रूटीन यश का, व्हाट सिमिलैरिटीज और डिफरेंस डू यू फाइंड इन योर रूटीन एंड दैट ऑफ रूटीन ऑफ यश, आपके और यश के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ है, यानी क्या कॉमन है, आप भी ब्रश करते हो, आप भी कहाँ कहाँ जाते हो जैसे करते हो यश, विच थिंग्स डू यू वॉन्ट टू एड, यश आप नहीं करते और ये यश लड़का कर रहा है, उसमें से आपको कौन सी चीज़ एडोप्ट करना चाहोगे, जैसे एक्सरसाइज आप नहीं करते हो तो यश करता है तो आप उसके सीख के देख के भी तो कर सकते हो ना। What kind of routine does your friend follow? How does your routine differ from the routine of your friend? आपका friend की routine क्या है? आप 6 बजे उठते हो तो आपका friend 8 बजे उठता होगा, है ना? Brush आप एक बार करते हो तो आपका friend 2 बार करता होगा, ये सब आप discuss करो, फालतू की चीज़ें discuss मत करो ना। Yes, everything आप mobile के बारे में, games के बारे में discuss करते हो, ये भी करो, एक दूसरे को सिखाओ कि नहीं ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, right? ये सब में भी ज़्यादा ध्यान दो। Then ये तो सब वो है, my name is dash, क्या है, आप कितने बजे उठते हो,
कितने बजे आपका ब्रेकफास्ट नाश्ता खाते हो, कितने बजे स्कूल जाते हो, कितने बजे टीवी देखते हो, रात को जल्दी सो जाना चाहिए, ज़्यादा मोबाइल पे नहीं बैठना चाहिए, राइट? नाउ यश इज़ अ स्टूडेंट ऑफ फोर्थ स्टैंडर्ड, यस, नो, ही इज स्टडिंग इन फिफ्थ, सो आप फॉल्स लिखोगे. यश इज़ हैविंग अ वेरी बोरिंग रूटीन, नहीं, उसका रूटीन तो बहुत अच्छा है. यश नेवर टेक्स बाथ, सुबह अर्ली करता है. यश ऑलवेज ईट्स अ लॉट ऑफ जंक फूड, नो. यश इज़ नॉट अ हेल्दी बॉय, नो, ही इज़ अ हेल्दी बॉय. यश कीप्स हिज सराउंडिंग डर्टी, नो, ही कीप्स हिज सराउंडिंग क्लीन. आजू बाजू में कभी कचरा नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको कचरा दिखे तो आपको डस्टबिन में फेंकना चाहिए, राइट? नाउ ये मैच है, आप कितने बजे उठते हो. आई गेट अप एट 7 o'clock. I have a shower, I have to bed, then I go to bed at 11 o'clock, I go to school, I watch TV, I have breakfast, hai na? Then activity 8, try again, this is a poem, try again, and kisne likha hai? Anonymous ne. Tea is a lesson you should heed, try again, if at first you don't succeed, try again. ये ट्राई अगेन है ना स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी पोएम है. हम है ना कुछ भी करते हैं, पढ़ाई हो, गेम्स हो, या कुछ काम करते हैं, अगर हम सक्सीड नहीं होते, सक्सीड यानी अगर हमको नहीं मिलता, ठीक है, सक्सेस नहीं मिलता है, तो हम हार के बैठ जाते हैं. ऐसा नहीं करना चाहिए. एक बार ट्राई करो, दूसरी बार करो, तीसरी बार करो, जब तक हम सक्सेस नहीं हो जाते तब तक हमको हमेशा ट्राई करना चाहिए, राइट? वंस और ट्वाइस, दो यू में फेल, भले फेल हो जाओ ना, एक बार ये सम नहीं आएगा, मैथ्स में दो बार नहीं आएगा, तीसरी बार तो आना ही है, ट्राई करते रहेंगे. बाकी हम एक बार नहीं आएंगे, बस छोड़ के बंद करके रख देंगे नोटबुक कि नहीं मुझे तो ये नहीं आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं होगा, राइट? आप जितना ट्राई करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, फिर आप सक्सेस आपको होगा ही, सक्सेस मिलेगी ही. श्योर यू विल एट लास्ट प्रिवेल, ट्राई अगेन. If we strive, it is no disgrace. Though we may not win the race, what should you do in the case? Try again. हम देखो, बैट रेस हो या कुछ भी हो, हम बैठ के हार जाएंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा. अगर हम ट्राई करेंगे तो हम जीतेंगे ना. If you find your task is hard, try again. Time will bring you your reward. Try again. अगर आपको लगे कि ये हार्ड है मेरे लिए, मैं नहीं कर सकता, तो भी आप ट्राई करो, एक ना एक दिन आपको रिवॉर्ड यानी आपका जो मेहनत का फल है वो मिलेगा ही. ऑल दैट अदर फॉक्स कैन डू विथ योर पेशेंस शुड नॉट यू, ओनली कीप दिस रूल इन व्यू, ट्राई अगेन. सिर्फ हमको क्या समझना है, शांति से धीरज से समझना है कि हमको क्या करते रहना है, ट्राई अगेन. हार के बैठ नहीं जाना है. एक बार हमको लेसन समझ में नहीं आएगा, आंसर बोलते हैं नहीं ये तो दो लाइन का आंसर है, मुझसे हो जाएगा, लेकिन ये तो चार लाइन का है, ये तो एक पेज का है, मुझसे तो नहीं होगा लर्न. बाकी लोग कैसे करते हैं लर्न, वो भी ट्राई करते हैं ना. सो आप ट्राई करो, एक बार नहीं हुआ छोड़ दो, थोड़ी देर के बाद करो, दूसरी बार नहीं हुआ तीसरी बार तो होना ही है, कहाँ जाएगा. जब तक हम ट्राई करेंगे तब तक सक्सेस मिलेगा. हम ट्राई नहीं करेंगे तो सक्सेस नहीं मिलेगा ना स्टूडेंट. सो एवरीबडी हैव टू ट्राई, ओके. ये राइमिंग वर्ड्स है स्टूडेंट, जैसे हीड, सक्सीड, फेल, प्रिवेल, डिस्ग्रेस, रेस, हार्ड, रिवॉर्ड, है ना, ये सब क्या है, राइमिंग वर्ड्स है. नाउ रीड सम ऑफ द रीजंस लिस्टेड बिलो. फिजिकल एक्सरसाइज मेक्स यू फील इट फिट, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. जैसे मैंने बोला स्टूडेंट्स, थोड़ा चलो, दौड़ो, खेलो, कूदो, है ना, आपकी तो ये एज है खेलने कूदने की. बाकी मोबाइल लेके बैठे रहो, टीवी के आगे बैठे रहोगे तो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं होगी, फिर ओबेसिटी, मोटापन हो जाएगा, आप सुस्त हो जाओगे. सो फिज़िकल एक्सरसाइज आपको फिट रखेगी. इट रिलैक्सेस योर ब्रेन, आपके ब्रेन को रिलैक्स करेगी. इट कीप्स योर वेट डाउन, जैसे मैंने बोला वेट भी आपका कम हो जाएगा, एकदम फ्लेक्सिबल हो जाओगे. यू स्लीप बेटर, आपको नींद भी अच्छी आएगी, थक जाओगे खेल कूद के तो नींद भी अच्छी आती है. योर बॉडी गेट्स स्ट्रॉन्गर एंड हेल्दियर, आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनती है फिजिकल एक्सरसाइज से. यू हैव मोर एनर्जी टू डू अदर थिंग्स, आपको एनर्जी मिलती है, थके हुए महसूस नहीं करते हो, आपको ऐसा लगेगा कि मैं कुछ और भी करूँ. यू लुक इन गुड शेप, आपका शेप एकदम गुड लगेगा, मोटा नहीं, ऐसे पतला नहीं, एकदम मस्त. यू कैन कंट्रोल योर एंगर एंड नेगेटिव फीलिंग्स, आपका गुस्सा
और जो नेगेटिविटी होती है ना, मैं नहीं कर सकता, वो भी आप कंट्रोल कर सकते हो. यू बिकम पॉजिटिव, आप एकदम पॉजिटिव रहोगे. ऐसा यू नेवर फॉल इल, आप कभी बीमार नहीं होगे. आप फिजिकल और हेल्दी फूड खाओगे, फिजिकल एक्सरसाइज करोगे, टीवी के आगे बैठे नहीं रहोगे, मोबाइल ये सब लेके, ठीक है. फिजिकली जितना दौड़ो खेलो कूदोगे ना, आप खेलो कूदोगे तो पानी की भी ज़्यादा प्यास लगेगी, है ना, तो पानी की प्यास लगेगी, जितना पानी पियोगे वो भी अच्छा है. सो सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज आपको इतने सारे, देखो कितने सारे आपको वो दे रही है ना. सो फिजिकल एक्सरसाइज आपके लिए कितनी बेनिफिट है. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट वर्क इन पेयर्स, लुक एट द पिक्चर चार्ट केयरफुली एंड से अ सेंटेंस फॉर ईच पिक्चर. ये क्या हो रहा है, ये सब आपको सिर्फ सेंटेंस में बताना है. देखो इधर ये लड़का पढ़ रहा है, ये क्या कर रहा है, ये स्कूल जा रहा है. ये सिर्फ आपको आई गेट अप एट 6 AM, सूरज गेट्स अप एट 5:30 AM, ये सब बोलना है, ठीक है. नाउ दिस इज़, दिस वॉज अवर लेसन स्टूडेंट्स. ये पूरा लेसन सिर्फ किसके बारे में था, हाइजीन के बारे में, क्लीनलीनेस के बारे में, ठीक है. ट्राई अगेन, हारना नहीं है कभी ज़िंदगी में, और अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करो, फ्लेक्सिबल बनो, एक्सरसाइज करो, फिज़िकल एक्सरसाइज ज़्यादा करो, हेल्दी फूड खाओ, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, अपने आप को हेल्थी रखो. अभी तो ऐसा माहौल चल रहा है, बाहर भी नहीं निकलो कहीं स्टूडेंट्स. बाहर निकलो, अगर निकलो तो वॉश करो हैंड्स, सैनिटाइज करो, है ना, ब्रश को आप टीथ को ब्रश करो, 2-3 बार करो, वॉश हैंड्स करो, फेस करो. जितना क्लीन अपने आप को रखोगे उतना हेल्दी रहोगे और बीमार नहीं रहोगे. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेसन. हाउ डू यू फील, और मैं आशा करती हूँ, होप करती हूँ कि आप भी अपने रूटीन को यश के रूटीन जैसे बनाओगे, है ना, और आप भी बहुत अच्छी तरह से अपनी लाइफस्टाइल चेंज करोगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच.